अंतिक का हमारा फर्स्ट हॉस्टल है कैंपस में, वहाँ से लेकर हम यहाँ आने वाले थे। JNU टीचर्स एसोसिएशन का एक कॉल था एक पीस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा रकस और गुंडागर्दी कैंपस एरिया में भी हुआ था, तो एक प्रोग्राम होने वाला था। तो हम बस चल के आ रहे थे, तभी हमने देखा कि इसके पहले का जो हॉस्टल है गोदावरी, वहाँ पे गोदावरी एंड पेरियार हॉस्टल्स में भी कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बहुत सारे लोग थे जिनके हाथ में लाठियाँ थी, उन्होंने बस कपड़े से अपने चेहरे कवर नहीं किए थे, उन्होंने हेलमेट्स भी लगाए थे, पूरी तैयारी के साथ वो लोग आए थे। और हम लोग लोहे के रॉड्स भी थे और हम लोग डर के साइड से चल रहे थे ताकि हम देखें कि ये कहाँ जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे वो भागने लगे, देन मैंने एक वीडियो बनाना चालू किया और मैं स्लोली उनके पीछे आ रही थी। अयंतिका तभी नर्मदा गई और मैं साबरमती आई। साबरमती हॉस्टल के गेट में 4 जो ग्लास के दरवाजे पूरे तोड़ दिए, मेस के अंदर वो पहले गए, मेस में बहुत सारा तोड़फोड़ किया, बाहर में थी मेरे को आवाज़ आ रहा था। देन आई एंटर्ड द हॉस्टल, तभी गर्ल्स विंग में बहुत सारी लड़कियां डर के एक दो रूम्स में छुप गई थी और ये गुंडे ज़्यादा बॉयज़ विंग में गए थे और वहाँ पे कंटिन्यूसली ज़ोर ज़ोर से तोड़ने का आवाज़ आ रहा था। फिर मैंने बीच में गर्ल्स और बॉयज़ विंग के बीच में खड़े रह के वीडियो बनाना स्टार्ट किया। ऐसे बहुत सारे लोग थे उसमें जो मैंने JNU में मैंने कभी नहीं देखा है, ये बाहर के हैं, ये प्रॉपर प्रोफेशनल गुंडे हैं एंड दे आर यंग, विच इज़ लाइक वेरी शॉकिंग। और उनके हाथ में लोहे के रॉड्स थे, उनके हाथ में फावड़ा था, दे हैड ब्रिक्स, दे हैड एक्सेस। जब भी लड़कियाँ डर के वापस गर्ल्स विंग में जा रही थी, तभी वो ज़मीन से भी पत्थर टॉस करके लड़कियों को नीचे से भी मार रहे थे, ऊपर से मार रहे थे। किसी का पेपर स्प्रे गिर गया था, उन्होंने उस पेपर स्प्रे का भी यूज़ किया, लोगों के आँखों में जा रहा था, एक लड़की के आँख में कांच गई, एक PWD इंसान था बॉयज़ विंग में उसको भी मारा गया। ये सारे लोगों को एम्बुलेंस में भेजना पड़ा, इट वॉज़ वेरी बैड। और जब मैं वीडियो बना रही थी तब वो इंसान लिटरली मतलब मेरे एक दो फीट पास में आके मेरे को फावड़ा दिखा रहा था एंड ही वाज लाइक ट्राइंग टू स्केयर मी। हमने देखा कि बहुत सारे टीचर्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, गाड़ियां जितनी टीचर्स की यहां पे खड़ी थी सारी तोड़ दी है। अभी भी आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां यहां पे, बाइक साबरमती हॉस्टल के सामने जितनी बाइक्स थी, जितनी स्कूटर्स थी, सब तोड़ दिया। उसके बाद साबरमती के अंदर वो लोग चले गए, अंदर की जो भी हुआ वो इन्होंने बता दिया। हम लोग बाहर थे, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हम लोग डरे हुए थे, हम लोग वार्डन के फ्लैट के बाहर, साबरमती के वार्डन के फ्लैट के बाहर गए, हमने बोला आप कुछ कीजिए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं करेंगे। हम लोग पीछे की तरफ गए, नर्मदा और साबरमती के बीच में जो एरिया है वहाँ पे हम लोग छुपे रहे। अमित शाह एंड हिज गवर्नमेंट आर आउट टू डिस्ट्रॉय द पीसफुल स्ट्रगल ऑफ द JNU स्टूडेंट्स अगेंस्ट द ह्यूज हाइक्स ऑफ द एंटायर हॉस्टल फीस एंड एवरीथिंग एल्स एसोसिएटेड विद इट। दे वांट टू ब्रेक दैट स्ट्रगल एंड लुक एट द एक्सटेंट टू व्हिच दे आर गोइंग टू ब्रेक दैट स्ट्रगल। इट इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड that in a premier institution in India like JNU, you should have this kind of blatant, open attack on students and teachers. What kind of culture is this? ये कौन सी गुरु संस्कृति है जो आज हम लोगों ने JNU में देखा? और एक elected student union president के ऊपर इस प्रकार लोहे की rod को लेकर उन्होंने जो attack किया, faculty को उन्होंने attack किया, क्यों? क्योंकि केवल संघर्ष को तोड़ने के लिए। फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ टुडे द ABVP गून्स फ्रॉम कैंपस एंड आउटसाइड विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड कमिंग इन अ प्लान मैनर हैव बीन अटैकिंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ JNU। We have visited AIIMS just now. The JNUSU president, Aisha Ghosh, is injured. She is out of danger, but she is injured badly. Professor Sucharita Sen is injured. Amit Parmeshwaran is injured. Few more students are injured. One of the students is injured badly in the eye. All of them are out of danger, but this is entirely the JNU administration, the vice chancellor and the police authorities are completely responsible for this situation. They have totally given a free hand to the lumpen elements of the BJP, RSS and the ABVP. Shyam ke samay JNU teacher association ke taraf se Sabarmati tea point pe ek पीसफुल प्रदर्शन था, एक धरना था कि जो हिंसा हुई उस हिंसा के खिलाफ शांति के लिए एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे टीचर्स अपनी बात रख रहे थे, स्टूडेंट अपनी बात रख रहे थे। और उस प्रोटेस्ट के ख़त्म, वो 7 बजे के आसपास ख़त्म हुआ और हमने देखा कि एक तरफ से करीबन 200 लोगों का एक मतलब मॉब हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में लाठियाँ है, डंडे है, हॉकी स्टिक है, रॉड है, उनके हाथों में बॉटल है, बॉटलों में पता नहीं, एक जो स्टूडेंट्स का कहना है कि एसिड है, पर हाथ में बॉटल है जिसमें ये सब भरा हुआ है, पत्थर हाथ में लेके है, और छोटे छोटे पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर जो होता है
सब लेके हमारे तरफ आ रहे हैं, हम फिर भी वहां रुके कि क्या बात है, इनसे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। पास आते ही बिना किसी भी एक वार्निंग का, बिना किसी कुछ बात कहे, उन्होंने सबसे पहले पथराव शुरू किया। पथराव शुरू करते ही टीचरों के ऊपर हमला शुरू किया, स्टूडेंट के ऊपर हमला शुरू किया, उनकी जो गाड़ी थी गाड़ियों को फोड़ा गया, और जितने स्टूडेंट वहाँ पे थे उनके पीछे लाठी लेके भागा गया। और फिर जब स्टूडेंट अपने अपने हॉस्टल की तरफ भागे, हॉस्टल के अंदर घुसा गया, और ये एबीवीपी के जो बाहर से गुंडे आए हुए हैं, ये लोग हॉस्टल्स में तो घुसे ही, गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसे, हर एक का दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के अंदर घुस के पूछते हैं कि बताओ तुम कौन से संगठन से हो, जिसको पहचानते उसको पीट रहे हैं। हर जगह ये इस तरीके का हिंसा हुआ, और ये बात 7 बजे शुरू हुई, 9 बजे तक ये चलते रहा कि हॉस्टल टू हॉस्टल ये गुंडा लोग जो है घूमते रहा, और पुलिस कुछ नहीं की। देखिए ऐसा है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन पर इस सरकार ने आसानी से काबू पा लिया, और यूनिवर्सिटीज़ वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनके काबू में नहीं आ रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर लोकतंत्र को कोई जीवित रखेगा इस देश में, तो सबसे पहले जो आवाज़ यूनिवर्सिटी से उठी है वो आवाज़ लोकतंत्र को ज़िंदा रखेगी। उस आवाज़ को आज बौखला कर जाकर इस आवाज़ को कुचलने की कोशिश इन्होंने की है, तो उसका इन्होंने अंजाम देख लिया। JNU लड़ाई जानना लड़ना जानता है, JNU में बहुत शक्ति है, बड़ा दम है, बड़ा आत्मविश्वास है।